Hello friends, here we go. Okay, so this is Active Engineering Classes. We are here to learn the concepts of mathematics. Okay, so right now today's lecture is based on integration topic. So here we'll write down integration by substitution method. सो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक काम करते हैं, वी पुट सम स्पेसिफिक टर्म, कोई स्पेसिफिक टर्म इक्वल टू टी या वी बोलकर पुट करते हैं हम, कोई स्पेसिफिक टर्म लिया मान लो उसको हमने टी बोल दिया, फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव लेते हैं यानी डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद में कंप्लीट इंटीग्रल इन एक्स कैन बी चेंज इनटू कंप्लीट इंटीग्रैंड बोल सकते हैं, इंटीग्रैंड यानी जिसका इंटीग्रेशन लेने वाले हो इन टी। ओके, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, फिर सॉल्व एज यूजुअल इंटीग्रेशन एंड लास्ट पुट टी इज इक्वल टू स्पेसिफिक टर्म इन रिटर्न। ओके, सो एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर वन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल log x to the power n upon x dx। ओके, सो यहां पे ये टर्म स्पेसिफिक टर्म चॉइस करना है डेरिवेटिव के हिसाब से, जैसे यहां पे log x का डेरिवेटिव 1 by x, यहां पे 1 by x का डेरिवेटिव log x थोड़ी ना है, तो यहां पे स्पेसिफिक टर्म होगा log x। सो r इज इक्वल टू इंटीग्रल log x टू द पावर n अपॉन x dx। So, इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल log x टू द पावर n इंटू 1 बाय x इंटू dx, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर वन, ये टर्म और ये टर्म। तो यहां पे अच्छे से देखना, पुट log x इज इक्वल टू t इन इक्वेशन वन, therefore differentiate with respect to x on both sides, यहां पर derivative of log x is equal to dt by dx, यहां पर आप जानते हो log x का derivative होता है 1 by x, derivative of log x is 1 by x, 1 by x dx is equal to dt। उसके अलावा equation number 1 change हो जाएगा due to all these factors, equation 1 changes as, मतलब अब log x की जगह t आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं वहां पे लिखा है ना मैंने, कंप्लीट फॉर्म इंटीग्रैंड इन एक्स चेंजेस इनटू कंप्लीट इंटीग्रैंड इन टी, तो कंप्लीट एक्स वाला लॉग एक्स जाके टी आएगा, टी टू द पावर एन इनटू 1 बाय एक्स डीएक्स का डीटी आएगा, और ये तो आपको पता है, रेज द पावर बाय 1, राइट डाउन सेम पावर इन द डिनोमिनेटर, प्लस सी, अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं आएगा, और इंडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो प्लस सी आएगा, प्लस सी यानी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट ओरिजिनली टी इज लॉग एक्स। सो यहां पे आई इज इक्वल टू, अच्छे से देख लो और साइड बाय साइड लिख भी लो ताकि समझ में आए अच्छे से, जहां टी है वहां लॉग एक्स आएगा, लॉग एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन कॉन्स्टेंट सी, तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। तो यहां पे याद रखना है
अप्रोप्रिएट टर्म फॉर सब्स्टिट्यूशन चूज करना है, मतलब स्पेसिफिक टर्म उसको टी बोलना है, पुटिंग के बाद फिर डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद कंप्लीट फंक्शन इन एक्स। एक्चुअली यहां पे क्या किया हमने, लॉग एक्स जाके टी रखा और वन बाय एक्स डी एक्स जाके डी टी आया, सो इसीलिए वो चेंज हुआ, ठीक है। और आखिरी में टी का ओरिजिनल वैल्यू जो था वो लॉग एक्स पुट कर दिया, ओके। सो इमीडिएटली कंटिन्यू करेंगे सेकंड प्रॉब्लम, डस्टर। फ्रेम में आ रहा है ना सब, ओके, हाँ ठीक है। सो यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चेक करेंगे अपन। साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इवैल्यूएट द इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ओके। सो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पर थोड़ा सा सोचो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव वो नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, तो स्पेसिफिक टर्म क्या लेंगे, साइन इनवर्स एक्स। ये तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्वांटिटी मिल जाएगा अपने को अलग से, डी टी बन जाएगा। तो यहां पर दोस्तों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे, ये होगा आपका इक्वेशन वन, उसके अलावा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंस द रीजन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, डिविजन का उधर प्रोडक्ट में जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 अब कंप्लीट चेंज हो जाएगा, इक्वेशन 1 चेंजेस एज, मतलब कंप्लीट फंक्शन इन एक्स जो है इक्वेशन 1 में, तो साइन इनवर्स एक्स जाके क्या आएगा, टी आएगा, साइन इनवर्स एक्स जाके टी आएगा, तो टी टू द पावर 3/2, 3/2 एज इट इज इनटू वो जो टर्म है दूसरा, वो ये टर्म जाकर डीटी आएगा उसकी जगह पे। सो यहां पर एज अ नॉलेज आप लिख सकते हो, देखो एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि कब यूज करना है ये मेथड, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखे जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आसान हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मींस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी करके उसका सॉल्यूशन निकालने की, मतलब सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो इसमें डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये टाइप के लिए आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले मस्ट है आना। अभी यहां पर फॉर्मूला आप देख सकते हो, लास्ट टाइप में भी यही फॉर्मूला लगा था अपने को, टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी, सो टी टू द पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी, सो टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सम कांस्टेंट सी, सो डिवीजन का डिवीजन यानी मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स ये डिवीजन ये ऊपर जाएगा ना टर्म, 2/5 बन जाएगा वो, बट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी इज साइन इनवर्स एक्स, सो आई इज इक्वल टू
एक्चुअली आ यानी इंटीग्रेशन का नोटेशन आ लेते हैं अपन यहां पे, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ओके सो और प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। ओके थैंक यू, इट्स ओके।